हेलो एंड वेलकम टू द कैरियर पाठशाला। मैं हूं इंद्रा और आपके लिए लेकर आई हूं कैरियर से जुड़े एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। अभी तक मैंने आप सबको बताया कि टेंथ के बाद अलग अलग स्ट्रीम से आप कैसे और क्या कैरियर बना सकते हैं, पर आज मैं आप लोगों को बताती हूं डिप्लोमा और डिग्री में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है और आप डिप्लोमा कोर्सेज से कैसे अपनी लाइफ बना सकते हैं। कौन से ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिन्हें ऑप्ट करके आप एक अच्छा और सिक्योर्ड कैरियर भी बना सकते हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम और सीधे चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। बेसिकली डिप्लोमा और डिग्री की टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होती है। डिग्री 3 से 4 साल की होती है और डिप्लोमा 1 से 2 साल का होता है। डिप्लोमा कम ड्यूरेशन का कोर्स होता है जो किसी व्यक्ति को किसी स्पेशल फील्ड में ट्रेन करता है और सर्टिफिकेट भी देता है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो डिप्लोमा वो कोर्स है जिसमें किसी पर्सन को किसी सब्जेक्ट या फील्ड में एक शॉर्ट ड्यूरेशन में स्पेशलाइजेशन कराया जाता है। टेली, वेब डिजाइन, वीएफएक्स एंड एनिमेशन, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्सेज, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग कोर्सेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आई होप आपके ये क्वेश्चन आज के इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए तो प्लीज कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछे सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। अगर मेरे वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। Also, do not forget to subscribe to the channel. मिलते हैं next video में अगले topic के साथ. Till then, stay safe. Bye-bye.